saiyo. जैसे ही सरकार से अनुमति मिल जाएगी हमारे मिल का काम चालू हो जाएगा। हमें खूब मेहनत करनी है। हाँ मालिक, चिट्ठी आई आपके लिए। ये हमारे मुंशी जी हैं। किसका खत है मुंशी जी? मालिक, उद्योग विभाग से आया है पत्र, जहां आपने सरकारी जमीन के लिए अर्जी दी थी। लगता है मंजूरी मिल गई। क्या हुआ सदाशिव भाऊ, हमें भी बताइए। क्या हुआ सदाशिव जी? मंजूरी नहीं मिली। और कारण क्या दिया है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सरकारी जमीन की मुंह मांगी कीमत देने वाला था। अब क्या होगा? मैं तो सबका भला करने चला था। कुलकर्णी सरकार के पास मैं नहीं जाना चाहता। अब कैसे बनेगी मिल? कैसे होगी मेरे साईं की शिरडी की उन्नति? कहां जा रहे हैं आप? साईं के पास। अब वही मदद करेंगे। काश अब साईं कोई रास्ता निकालकर इस भले आदमी की मदद करे। आओ साईं, खाना खा लो। दीजिए भाई साहब। धीरे धीरे। क्या कर रहे हो तुम भाई साहब? जब माँ बेटे की भूख का इलाज कर सकती है तो क्या बेटा माँ के दर्द का इलाज नहीं कर सकता? मेरे आने से पहले ही तुम्हें पता चल गया था, इसलिए पहले ही लेप बनाने लगे थे तुम। माँ के दिल की बात बेटा नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? सुन जी, ये सावरी पानी लेने इसी समय आती है? ये पानी उसी के लिए निकाल रही हूँ, कुआं छूना मना है ना उसके लिए। सुन, एक काम कर, वो गरम पानी उसी बाल्टी में डाल दे और जा तू। ये सावरी महेश की जिंदगी में आके मुझे तिल तिल जला रही है। आज मैं उसको जला के रहूंगी। रुक, वही रुक, बाल्टी नीचे रख, रख। पानी लेने आई है ना, पहले अपने गंदे हाथ तो धो ले और बाद में उस बाल्टी को हाथ लगाना।
और अब से यहाँ आने से पहले हाथ मुंह धो के आना पड़ेगा, वरना पानी नहीं मिलेगा, समझी? उस बाल्टी में पानी रखा है, हाथ धो ले। चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम। इसके हाथ चले क्यों नहीं? हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। क्या कर रहे हो साईं? हाथ जल जाएगा। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा। ये पानी इतनी जल्दी ठंडा कैसे हो गया? देवा! मैं जानती हूं तुम अकारण कुछ भी नहीं करते हो। हाँ भाई साहब, एक मासूम से वादा किया था कि उसकी रक्षा करूंगा, निभाना तो था ही। सबकी मुश्किल भांप लेते हो, सबके मन की बात समझ जाते हो। अभी अभी मीरा मिली थी यहाँ आते हुए, बहुत खुश थी कि साई ने आशीर्वाद दिया है कि उसकी गोद जल्दी भर जाए। वो दिल की बहुत अच्छी है बायसामा, और ईश्वर ऐसे लोगों का भला ही करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और होते हैं, और चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं। जब मैं भी क्या कर सकता हूं बायसामा, जब वो खुद अपने अंदर की कमियों को दूर नहीं करना चाहते हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? साही, आपकी मदद चाहिए। जब भी कभी साई का कोई भक्त मदद मांगने आया है, साई भी उसके लिए चिंतित हुआ है, लेकिन सदाशिव के लिए चिंतित नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जिसकी बात साई कर रहा था वो सदाशिव? लेकिन ये तो बहुत नेक इंसान है। क्या मदद चाहिए सदाशिव? साईं, मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि बोलो ना। अचानक गले में खराश आ गई थी। दरअसल मैं कहना चाहता हूं गले में कुछ दर्द हो रहा साईं। अगर गलत चीज खाओगे तो गला तो खराब होगा ही। Thank you.
इसे पानी में मिलाकर ले लेना, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। और हां सदाशिव, तुम्हें अपनी बात मेरे सामने रखने के दोबारा भी मौके मिल जाएंगे, जब तुम्हें लगे कि जो तुम कहना चाहते हो वो सबके भले का है, तब आ जाना, मुझे तुम्हारी बात सुनाई दे जाएगी। लेकिन मेरा गला उसी क्षण खराब क्यों हो रहा था जब मैं साईं से निवेदन करने वाला था? और साईं ने ये सबकी भलाई वाली बात क्यों बोली होगी? साईं, सदाशिव तुम्हारा भक्त है, फिर अचानक क्या हुआ उसे? क्या कहने आया था वो? समय की प्रतीक्षा कीजिए भाई सामा, सब पता चल जाएगा। सदाशिव जी, हम सब मालसापति जी के घर कीर्तन सुनने जा रहे, बच्चे पहले ही जा चुके, आप भी चलेंगे? मेरे गले में बहुत दर्द है, आज नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, आइए। तो न जाने क्या कर दिया है साईं ने, जैसे ही धंधे की बात करने जाता हूं गले में दर्द होने लगता है। अरे साईं का हो आएगा, निकाल नहीं तो। किसी ने अगर देख लिया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मना किया था फिर क्यों मैं? तू इतना कुछ किया आपके लिए, जोखिम उठाई, फिर भी हमारी मेहनत के पैसे नहीं दिए आपने। अरे तू इतनी सी बात के लिए यहाँ चलाएगा? किसी ने देख लिया तू? अब तक तो नहीं देखा, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो पैसे, पैसे, पैसे। एक दो तीन, ये थे सामने, अब चल निकल यहां से, निकल। आहो, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ये लीजिए, थोड़ा और नमक का पानी लाई हूँ। लेकिन आपका गला अचानक से खराब कैसे हुआ? साईं से बात करने गया था, अपने मकसद के लिए मनाने, लेकिन वहां मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, गला खराब होने की वजह से आवाज ही नहीं निकली। ऐसा लगता है साईं जानते थे मेरी योजना क्या है, उन्होंने मुझे चेतावनी तक दे डाली। मुझे तो लगता है साईं के बारे में जो मुझे बताया गया था वो सही है, कोई मायावी इंसान है वो, लगता है उसने ही कुछ काला जादू किया है मुझ पे। साईं किसी का भी बुरा नहीं कर सकते, आप उनके बारे में कुछ मत कहिए। तुम कब से साईं को इतना मानने लगी? इतना तो मैं भी एक दिन में समझ गई हूँ कि साईं में कुछ करिश्मा तो है, कल बेहोश सुदामा को इतनी जल्दी ठीक कर दिया, इतना तो अंग्रेजी डॉक्टर के लिए भी मुमकिन ना हो, और आज सांप से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कितनी पुरानी पहचान हो, और सांप ने उनकी बात मान भी ली। साईं कोई आम इंसान नहीं है, उनकी शक्ति को महसूस किया है मैंने, और तो और गांव में किसी को हमारी समस्या नहीं पता, लेकिन फिर भी
साई ने मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है आपको भी साई की शरण में जाना चाहिए। ये गलत काम छोड़ दीजिए ना। छोड़ दूंगा, बस ये आखिरी काम करना है। जानती हो, अगर ये काम हो गया तो हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। हम इस मौके को गवा नहीं सकते हैं। आप हर बार यही कहते हैं, लेकिन आपका आखिरी काम आखिरी नहीं होता है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाता है जो आप गवा नहीं सकते। भगवान की कसम, ये आखिरी है, यकीन मानो मेरा। इतनी गर्मी में कचौरियां खा ली है साई, अब पच नहीं रही है तो पेट पकड़ रहा है। मैंने इतना कहा इससे कि गलत चीजें मत खाया करो, पर ये मानता ही नहीं है। मीरा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अब तुम इस तरह से मुंह फुला के रहोगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, अब दूसरों को भी शक होगा। देखो, जल्दी ही हमारे घर भी संतान होगी, और संतान को पालने के लिए पैसे तो चाहिए ना। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने होने वाली संतान के भविष्य के लिए तो कर रहा हूँ। बस ये आखिरी काम है, इस काम के बाद हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम अपनी औलाद का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे, और कुछ और गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देख लेना। मेरे पास आपकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे तो बस यही डर लगा रहता। मीरा, तुम ये सब चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, बस ये आखिरी बार है, विश्वास करो मुझ पर। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, और दवा ले रही हो ना? कल रात से नहीं ले पाई, अचानक हवा से उड़ गई। उड़ गई? ऐसे कैसे उड़ गई? मीरा, देखो इस बारे में ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है, ये दवा ही हमारे सपनों को साकार कर सकती है। रुको, मैं अभी आज की दवाई लेकर आता हूँ। इस बार मैं अपनी आंखों के सामने ही खिलाऊंगा। साई की कृपा होगी तो होगी, लेकिन दवा भी तो जरूरी है। चलो ये लो। ये पानी पकड़ो। शाबाश, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ठीक है? इसे पीने से आराम मिलेगा। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ अजीब बात है, उल्टी के बाद जो इतने दिनों से सर भारी लग रहा था ठीक हो गया। अब ठीक लग रहा है साई,
जो भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है उसका बाहर आना ही बेहतर है। सदाशिव बहू, क्या हुआ? आपने हम सबको सुबह सुबह क्यों बुलाया? आप सबको पता है कि अंग्रेजी सरकार ने मुझे अपनी जमीन देने से मना कर दिया। मैंने बहुत सोचा कि शिरडी वासियों की तरक्की के लिए जो मैंने सपना देखा था, क्या वो अधूरा रह जाएगा? आप चिंता मत कीजिए, इरादे नेक हो तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। ताई ने भी यही कहा था। कल जब मैं उनका आशीर्वाद लेने गया था तो उन्होंने कहा, सदाशिव जब एक रास्ता बंद होता है ना तो दूसरा रास्ता खुलता है, तुम बस कोशिश करते जाओ। इसलिए एक और कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस बार अंग्रेजों और कुलकर्णी सरकार के आगे नहीं बल्कि आप सबके सामने कोशिश कर रहा हूं। कैसी कोशिश भाऊ? मैंने रात भर सोचा कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरा सपना पूरा हो सके। फिर मुझे एक तरकीब सूझी, अगर आप सब अपनी जमीन मुझे बेच दें तो मैं उस पे मिल बना सकता हूं बिना किसी की मदद लिए। हमारे खेत ही तो हमारी रोजी रोटी है सदाशिव भाऊ। खेत में मेहनत के हिसाब से आमदनी नहीं होती अप्पा साहब, और फिर कब मौसम की मार पड़ जाए, नुकसान हो जाए। देखिए, मैं आप सबको जमीन के पूरे पैसे दूंगा। सरकार को सरकारी जमीन के लिए मैं 1500 रुपए प्रति एकड़ दे रहा था, लेकिन आप सब मेरे अपने हैं, साईं भक्त हैं, इसलिए मैं आप सबको 2500 रुपए प्रति एकड़ देने के लिए तैयार हूं। ₹2500 एक एकड़? मैंने आज तक एक साथ 2500 रुपए कभी देखे नहीं है। आप सचमुच 2500 रुपए एकड़ देंगे? लेकिन इतने पैसे लाएंगे कहां से आप? जैसा मैंने सोचा था, इनमें से किसी को भी कोई शक नहीं हो रहा है।